गरीब का गोल्डन मनी मेकिंग बुल। रामपुर गांव में पाचू कहकर एक गरीब लड़का रहता था। वो बेचारा अनाथ था। पाचू वहां गांव में अपने दादा सोमनाथ के साथ रहता था। पाचू का दादा सोमनाथ जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। वो भेड़ बकरियां उस गांव के जमींदार रुद्रा प्रकाश की थी। पाचू भी कभी कभी अपने दादा के साथ उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाता था। रुद्रा प्रकाश बहुत लालची था। वो सोमनाथ को उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत ही कम तनख्वाह देता था। ऐसे एक दिन सोमनाथ रुद्रा प्रकाश से, आप मुझे बहुत ही कम तनख्वाह देते हो, इसमें हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। कृपया करके अगर आप थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें तो हम दो वक्त का खाना अच्छे से खा पाएंगे। हाँ हाँ बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं जितनी भी तनख्वाह तुम्हें देता हूँ उससे एक रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब जाओ, बकरियों को चराने का समय हो रहा है, इन्हें ले जाओ। सोमनाथ उन बकरियों को चराने के लिए जंगल ले आया और एक पेड़ के नीचे बहुत दुखी बैठा था। ऐसे कुछ ही देर में सोमनाथ को उस पेड़ के नीचे नींद आ गई। वहीं पास की झाड़ियों में कुछ शेर उन बकरियों पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उन शेरों को मौका मिला वो भाग के उन बकरियों का शिकार कर लिए। वैसे जब सोमनाथ नींद से उठा तो उसने देखा कि सिर्फ दो ही बकरियां बची हुई हैं और वो दो भी घायल थीं। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। सोमनाथ बहुत डर जाता है और उन दो घायल बकरियों को अपने घर ले जाता है। वो अपने घर में बहुत दुखी खड़ा था। वैसे पाचू अपने दादा के पास आकर, दादाजी क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों खड़े हो और इन दोनों घायल बकरियों को यहाँ अपने घर क्यों लाए हो? बेटा, मैं जब जंगल में बकरियों को चराने के लिए ले गया था तो वहीं मेरी आंख लग गई और जब मैं उठा और देखा तो कोई जंगली जानवर बाकी सारी बकरियों को अपना शिकार बनाकर ले गया था। वहां बस सिर्फ यही दो बकरियां घायल खड़ी थीं। ऐसे कुछ ही दिन गुजर गए थे तो जमींदार रुद्रा प्रकाश अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर सोमनाथ के घर आया। इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुम मेरी बकरियों को घर वापस नहीं लाए, मुझे लगता है तुमने उन्हें बेच दिया है। नहीं जमींदार जी, मैंने बकरियों को नहीं बेचा। जब मैं उन्हें जंगल चराने के लिए गया था तो वहीं मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा तो उन बकरियों को कोई और जंगली जानवर अपना शिकार बनाकर ले गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी बकरियों को बेच दिया है। मेरी बकरियों के बदले अब तुम्हारे इस घर पर मेरा कब्जा है, निकल जाओ यहाँ से और तुम मुझे इस गाँव में भी नजर मत आना। सोमनाथ और पाचू बहुत दुखी होकर जंगल में चले गए। वो बातें करते हुए जा रहे थे, दादाजी अब हम क्या करेंगे, उस जमींदार ने तो हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया है और गांव में भी आने से मना कर दिया है, अब हम कहाँ रहेंगे। वो ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे तो वहीं उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो वहीं सामने कीचड़ में एक बैल फंसा हुआ था और आवाजें निकाल रहा था। सोमनाथ और पाचू भाग कर उसके पास जाते हैं। वो कहीं से एक रस्सी लेकर आते हैं और उस बैल को कीचड़ से निकालते हैं। वो उस बैल को कीचड़ से निकाल लेते हैं तो वहीं वो बैल एक सोने के बैल में बदल जाता है और बोलने लगता है, मैं एक मायावी बैल हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें पास हो गए हो। वहीं वो बैल एक ठेला प्रकट करता है, उस पर बहुत सारे पैसे भी प्रकट करता है। वो पैसे देखकर सोमनाथ और पाचू बहुत खुश हो जाते हैं। दादाजी इन पैसों से हम किसी और गांव में जाकर एक बहुत बड़ा घर ले सकते हैं और अपना एक व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। वैसे वो एक दूसरे गांव में अपना एक बहुत बड़ा और सुंदर घर खरीदते हैं और बहुत महंगी महंगी कार्स भी और अपना एक व्यापार भी शुरू करते हैं। मैजिकल जॉइंट फायर सुपर बाइक। बहुत दूर कुछ लुटेरे खजाने की तलाश में एक बहुत ही खतरनाक टापू पर पहुंच गए थे। उस टापू पर बहुत विशाल कंकाल पड़े थे। हम उस नक्शे की मदद से इस टापू तक पहुंच तो गए लेकिन जिस खजाने का उस नक्शे में लिखा हुआ था वो तो मुझे इस टापू पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहे हैं तो ये विशाल कंकाल, अब हम इनका क्या करेंगे। वैसे वहीं एक लुटेरे को एक बहुत ही बड़ी खोपड़ी की मूर्ति नजर आती है।
और उसकी आंख में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहीं वो लुटेरे उस मूर्ति की तरफ जाने लगते हैं। जब वो उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उस मूर्ति की आंख में लगा वो पत्थर और भी तेज चमकने लगता है और वहां से उड़कर उन लुटेरों के सामने गिरता है। ये देखकर वो लुटेरे बहुत आश्चर्य होते हैं। ये तो कोई मुझे जादुई पत्थर लग रहा है, हम इसे बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वो लुटेरे उस पत्थर को लेकर अपनी नाव से जा रहे थे कि वहीं वो पत्थर बहुत तेज चमकने लगता है और उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वो पत्थर अपनी शक्ति से उन लुटेरों की नाव को आग लगा देता है। तो वो नाव टूटने से वो सब लुटेरे और उनकी वो नाव समंदर में डूब जाते हैं और वो जादुई पत्थर भी समंदर में कहीं खो जाता है। ऐसे बहुत समय गुजर जाता है और वो जादुई पत्थर पानी में बहते बहते सुंदरपुर गांव के पास पहुंच जाता है। वहीं पास में पिंटू नाम का एक अनाथ लड़का पानी में बह कर आई खाली प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर रहा था, तो वहीं उसकी नजर उस जादुई पत्थर पर पड़ जाती है। पिंटू उसके पास जाता है और उस पत्थर को उठा लेता है। ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैंने आज से पहले ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा। ये पत्थर जरूर अंतरिक्ष से आया होगा। मैं ये पत्थर प्रोफेसर मिश्रा को दिखाता हूँ, उन्हें इसका पता होगा कि ये पत्थर कहाँ से आया है। वो प्रोफेसर मिश्रा एक बहुत ही खतरनाक और शातिर साइंटिस्ट था। उसने अपनी लैब में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी और बहुत सारी अजीब अजीब मशीन्स भी बनाई हुई थी। पिंटू वो पत्थर प्रोफेसर मिश्रा के पास ले जाता है और उसे दिखाकर सारी बात बताता है कि ये पत्थर उसे कैसे मिला और कहां से। वहीं उस पत्थर को देखकर प्रोफेसर मिश्रा को बहुत लालच आ गया और कुछ सोचने लगा। ये पत्थर तो मुझे बहुत कीमती लग रहा है, ये पत्थर इस लड़के के पास नहीं मेरे पास होना चाहिए। मुझे अब इस लड़के से किसी भी तरह से ये पत्थर छीनना पड़ेगा। अरे ये तो कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई साधारण पत्थर है। समंदर में ज्यादा देर रहने की वजह से ये ऐसे ही हो गया है। ये बस एक साधारण पत्थर है, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। प्रोफेसर मिश्रा की ये बात सुनकर पिंटू को उस पर शक हुआ और पिंटू कुछ सोचने लगा। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, ये पत्थर जरूर बहुत कीमती होगा इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना ये मुझसे मेरा ये पत्थर छीन लेगा। नहीं, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना। ये बोलकर तुरंत पिंटू वहाँ से भाग जाता है। पिंटू उस पत्थर को लेकर भागते भागते अपनी झोंपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहीं प्रोफेसर मिश्रा भी अपनी एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस लेकर पिंटू का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अब कहां जाओगे बच के, ये पत्थर तो मैं तुमसे छीन के ही रहूंगा। चुपचाप ये पत्थर मुझे दे दो वरना इस डिवाइस से मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। पिंटू खतरे में था, इससे उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वहीं वो पत्थर अपनी शक्ति इस्तेमाल करके पास में पड़े पिंटू के एक छोटे सुपर बाइक के खिलौने को एक बहुत बड़े जॉइंट फायर सुपर बाइक में बदल देता है और उस फायर सुपर बाइक से प्रोफेसर मिश्रा पर हमला करके उसे जलाकर नष्ट कर देता है। बाद में दोबारा से वो जॉइंट फायर सुपर बाइक एक खिलौने में बदल जाती है।